बीजापुर में पहली बार बिगॉस ऑनलाइन मल्टी डिलीवरी ऐप अब सब कुछ 30 मिनट में आपके घर तक फूड, मीट एंड फिश, ग्रोसरी, मेडिसिन, वेजिटेबल्स, फ्रूट एंड जूस, डेयरी प्रोडक्ट्स, टी एंड कॉफी, डॉक्यूमेंट्स, पार्सल्स, स्वीट मार्ट, जल्दी ही इसकी सर्विस चालू होगी। आपके डोर तक चाहे तो आप प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड भी कर सकते हैं। बीजापुर आज आने का कारण आप जानते होंगे, हमारे सीनियर लीडर कालेबा साहब के घर में मेरे को खाने की दावत दिया गया था। जितने भी सियासतदान कोई भी पार्टी के सीनियर लीडर जितने भी हैं, एक उनके विजिट उनके घर पे विजिट करते हैं। इस तरीके से मेरे को भी दावतनामा दिया गया था, उसके लिए उनके घर पे खाने के लिए आया था। उसके साथ में नासिर और फैरोज, उन्होंने एक जमीर अहमद खान अभिमानी संघा करके एक संघा खोला है, उसका इनाग्रेशन के लिए दोनों बच्चे लोग कल आके जिंदगी में मेरे को आह्वान दिए थे, तो उसके लिए आके मैं आज वो इनाग्रेशन करके आया। सर, ये जिंदगी जो उपचुनाव चल रहा है सर, इसमें आपके अभ्यर्थी जो हैं तो उनका किस तरह से रिस्पॉन्स? नहीं, अभी मैं कल आया, उधर कल आके 7 ZP मिलते उधर, 4 ZP के अंदर, 4 ZP में टोटल रात में 10 बजे तक कवर किया। जो पब्लिक का रिस्पॉन्स देखे, मैं खुद परेशान हुआ कि पब्लिक, मैं खुद डरा हुआ था कि अभी वो जनता दल से भी मुस्लिम कैंडिडेट डाल दिए, वो मुस्लिम कैंडिडेट जो डाले वो मेरी बहन, वो अच्छी फैमिली से है, उनके शोहर भी जो है इंस्पेक्टर है, वैसे को लगा के डाल दिए कुमार स्वामी ने। मैं देख के कुछ मुसलमान के वोट डिवाइड होते करके सोचा, कल पूरा मायना करने के बाद किधर भी डिवाइड होने के चांसेस नहीं दिख रहे। उसकी वजह जो बसिया कल्याण के अंदर जो कुमार स्वामी ने मुस्लिम कैंडिडेट डाल दिया था, जो साहेब, वो साहेब मतलब वो दरगाह के सज्जादेश थे, वो बहुत अच्छे आदमी थे, नाम था उनका और कांग्रेस में ही थे वो, उनको डालने की वजह से 11,000 वोट उनको पड़ा, यानी कुमार स्वामी को नहीं, जनता दल को नहीं, वो खाली उनके नाम से वोट पड़ा। आदमी लोग इतना चाहते थे उनको, वो 11,000 वोट लेने से क्या हुआ, हमारी कांग्रेस की हार हो गई। वो आवाम को इधर तक मैसेज है और एकदम से ये लोग दोनों बाई इलेक्शन में मुसलमान का देने का मतलब क्या है, जो हाल ही में भी जो बाई इलेक्शन हुआ था बसों के दल में, उधर भी मुसलमान दिए। अगर इनको मुसलमान के ऊपर इतनी चाहत है तो क्यों नहीं रामनगर के अंदर देते, क्यों नहीं चनपटना के अंदर देते, क्यों नहीं मैसूर में देते, क्यों नहीं हासन में देते? ये खाली बीजेपी से व्यवहार करके, यानी पैसा लेके ये मुसलमान कैंडिडेट डाला गया है। मैं हाल ही में एक ZP के गांव में गया था, मैं उधर कोई
शशि गौड़ा करके मेरे को आके गाड़ी में जब जा रहा था, गाड़ी मेरी रोक के साहब अंदर मुसलमान की तादाद है गाँव के अंदर, उधर मुसलमानों ने बीजेपी से पैसा लेके बीजेपी को वोट डालने का तय कर लिया, मेहरबानी करके आप आओ करके मेरे को लेके गए थे। उधर जाने के बाद मैं अंजुमन वालों को बिठा के पूछा, क्या भाई तुमने बीजेपी से पैसा लिया है क्या? हाँ साहब बीजेपी वाले पैसा दिए हमारे को 5 लाख का, मगर हमने उनको सीधी तरह साफ तरीके से मना कर दिया कि हम बीजेपी को वोट नहीं दे सकते, हमारे मुसलमान मानते नहीं बीजेपी को वोट देने के लिए। नहीं नहीं नहीं, ये पैसा आप रखो जनता दल को वोट दे देना, हमारे को वोट मत दो, ये पैसा रखो जनता दल को वोट दो। यानी मतलब क्या, बीजेपी वाले मुसलमान को जाके जनता दल को वोट दे रहे। तो मैं अंजुमन वालों को पूरे जिम्मेदारों को समझाया, इसका मतलब आप समझे नहीं अभी तक, अभी बीजेपी वाले पैसा देके आपको जनता दल को वोट डालो मतलब क्या, आप जनता दल को एक वोट डालेंगे तो बीजेपी को डालने जैसा, यानी फायदा उसका बीजेपी का होता है, इसके लिए तो पैसा दे रहे वो लोग। यानी ये कुछ भी करने दो, आवाम समझदार है, वोट डिवाइड होने के चांसेस नहीं। और मंगोली साहब जो थे वो दो ही बार एमएलए बने थे, 94 के अंदर एक बार एमएलए बने थे, उसके बाद 2018 के अंदर, जहाँ भी मैं जा रहा हूँ वो बोलते साहब आज तक इधर कुछ डेवलप नहीं हुआ था, ये बीजेपी का 6-7 बार एमएलए हुआ था, परसों 90 प्रचार के बाद 30 साल के बाद अभी मल्लोली साहब परसों 2018 में जीते, वो आने के बाद थोड़ा डेवलपमेंट हुआ, उससे पहले कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ करके आवाम बात कर रही है। सर जो राहुल गांधी जी के ऊपर बीजेपी के राज्य अध्यक्ष ने कुछ बात की, सर उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं अभी क्या हो गया, बीजेपी के अंदर कोई डेवलपमेंट मुद्दा नहीं है बात करने के लिए। आप देखे होंगे डीजल की भाव कितने तक चला गया, अगर के डीजल का रेट कितने तक चला गया, पेट्रोल का रेट कितने तक चला गया, गैस सिलेंडर का रेट कितने तक चला गया, और इकोनॉमिक किस तरीके से ख़त्म होगी हमारी इंडिया की, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, और डेवलपमेंट वर्क नहीं है। ये माइंड डाइवर्ट करने के लिए अभी क्या है, आज हिंदुस्तान के अंदर कोई नरेंद्र मोदी के बारे में बात करता तो दो ही आदमी बात करते हैं, एक हमारे राहुल गांधी जी और एक कर्नाटक के सिद्धरामैया जी, वो छोड़ के कोई बात करता नहीं प्रधानमंत्री के खिलाफ, क्योंकि उनका डर है, ये ईडी उनके कंट्रोल में है, सीबीआई उनके कंट्रोल में है, हर चीज़ उनके कंट्रोल में। एक छोटी सी मिसाल देता हूँ मैं, आप आजम खान का नाम सुने होंगे, यूपी के अंदर आजम खान मतलब हिंदुस्तान के अंदर नामचीन आदमी, वो ख़ानदानी पैसे वाले, उनके परदादा से पैसे वाले, वो उनके ख़ानदान में उनके परदादा ने यूनिवर्सिटी बनाया था, कॉलेजेस बनाया था, आज उनको एक पावरफुल मुस्लिम लीडर करके, आज उनको यूपी के अंदर बोलने वाला एक मुस्लिम लीडर है करके, आज उनको यूपी के अंदर पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया, उनकी पूरी यूनिवर्सिटी डिमोलिश कर दी है। यानी इतना जुल्म बीजेपी के अंदर अल्पसंख्यातों को हो रहा है। सर मुस्लिम सीएम पर आपने बात की, स्टेटमेंट दिया था सर अगर? नहीं नहीं, मैं क्या बोलता हूँ, आप जानते हैं कि हमारी पार्टी हाईकमांड पार्टी है, हमारी पार्टी में जनता दल वाले ही बोलते हैं, बहुत से बार कुमार स्वामी बोले कांग्रेस पार्टी जैसे हमारी पार्टी नहीं है, उनकी पार्टी हाईकमांड दिल्ली के अंदर है, उनको एमएलए टिकट लेना तो भी दिल्ली जाना, सही है वो हमारी पार्टी के अंदर हर चीज़ के लिए दिल्ली जाना, मगर इनकी पार्टी हाईकमांड पार्टी इधर पद्मनाभ नगर में ही है ना, इधर आप क्यों नहीं अनाउंस करते है? आपकी पार्टी इधर है हाईकमांड पार्टी, इधर अनाउंस करो आप। कैच कीजिए ऑफर पाइए, जी हाँ, एस्पायर स्प्रिट स्पोकन इंग्लिश सॉफ्ट स्किल ने वाओ कार्ड लॉन्च किया है, जिसमें आप 80% तक का डिस्काउंट पा सकते हैं। जल्दी कीजिए, ये ऑफर लिमिटेड है, एडमिशन कीजिए और एक साल का ऑफर पाइए, अभी नहीं तो कभी नहीं। बाघ मारे हॉस्पिटल में दांतों की बीमारी से जुड़े हर तरह का किया जाता है इलाज, जिसके माहिर ओरल एंड मैक्सिलोफेसियल सर्जन डॉक्टर शान करीमी करेंगे आपका उम्मीद से भरपूर इलाज। तो आज ही विजिट कीजिए बागमारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सकाफ रोजा सरकारी उर्दू स्कूल नंबर 4 के पास।